नमस्कार दोस्तों, श्री वेट्स क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें कि पशुओं में घुटने की सूजन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में एक बफेलो काफ है जिसके नी ज्वाइंट में स्वेलिंग है। इसको हम देख रहे हैं कि ये देखिए, इसमें जैसे फ्लूड भरा हो इस तरह का लग रहा है। इसको खूब अच्छी तरह से साफ करने के बाद एक नई नीडल 16 नंबर की नई नीडल ले करके इसमें प्रिक कर देंगे। प्रिक करने के बाद देखिए, इसको दबाने पर ये फ्लूड बाहर आ रहा है। ये एकदम जेल की तरह फ्लूड है जो बाहर आ रहा है। बिल्कुल दबा करके जितना हो सके इस फ्लूड को हम बाहर कर देंगे। इसको चूँकि ये म्यूकस नहीं है, ये जेल की तरह है, इसको सीरस बोलते हैं, ये जेल की तरह, इसको पूरी तरह से ड्रेन आउट करेंगे, बाहर कर देंगे। फ्लूड पूरी तरह से निकालने के बाद इसमें अब हम स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन लेंगे, जिसमें कि हम 5 ml जेंटामाइसिन और 3 ml डेक्सामेथासोन मिला करके इसको इसमें इंट्रा आर्टिकुलर रूट से, इसको इंट्रा आर्टिकुलर रूट बोलते हैं जो हम घुटने में इसमें दवा को इंजेक्ट करेंगे, इसको इंट्रा आर्टिकुलर रूट बोलते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर रूट से ये हम जो कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड का बनाए हैं इसको इसमें डाल देंगे, डाल करके छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया हम 2 से 3 दिन तक करेंगे। और इसी के साथ ब्रिटिश होम्योवेट का रूटा जी आता है, उसको 30 ml का पैक ले लेंगे और उसको 20-20, 25-25 बूंद दिन भर में 3 बार इसको चलवाएंगे। लगभग 15 से 20 दिन तक ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।